चलो बताने बहुत ही आया हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल मेरा वीडियो नहीं आया था, पर बहुत सारे वीडियो जो सब मेरे सब्सक्राइबर और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, आरती आप ठीक हो, आपका कोई वो नहीं आया, वीडियो नहीं आया। तो एक्चुअली देखिए, मैं इतनी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में हूँ, और कि कल मेरी हालत नहीं थी इस कदर। और हमारे डॉक्टर का फोन आ रहा है सर। तो चलिए डॉक्टर से बात कर ले हम, उसके बाद फिर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको दिल से थैंक यू, पर जो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं बता दूँ मैंने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया है। और देखिए, जो भी है वो मेरे हाथ में नहीं था। एक बात आप लोग को पता होगी, जो जन्म और मरण है वो किसी के हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना, ये तो आपको भी पता है। बस आप मुझे आप इतनी हिम्मत दीजिए, और प्लीज़ देखिए जो सिचुएशन मेरे साथ है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत। इस टाइम ना मेरे माँ बाप है, ना ही मेरे सास ससुर है, मैंने सबको अपना माना, अपने मैंने सास ससुर के लिए बहुत कुछ किया। इस टाइम मैंने बहुत कुछ किया कि हो सकता है मेरे इस टाइम के लिए वो मेरे लिए खड़े होंगे, पर जहाँ सबको पता चला कि इतनी महंगी जांच होनी है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कोई भी मेरे सपोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं है, और मैं ये हकीकत बोल रही हूँ। तो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, जितना मेरे हस्बैंड के टाइम में नहीं थी ना मैं, कि जब उनका ट्रांसप्लांट हुआ, उससे कहीं ज़्यादा अभी हूँ। और सिर्फ इसलिए हूँ कि सिर्फ जांच पे मेरी अटका हुआ है। आप बोल रहे थे आरती आप इलाज मत कराइए अगर आपको नहीं है, तो मैं बता दूँ इन्हें बहुत ज़्यादा कंपलसरी है इलाज तो नहीं है, सॉरी, ये जो टेस्ट है अमीनो साइंटिस्ट, उससे अमीनो इतनी ज़्यादा फट रही बहुत ज़्यादा फट रही है। फिर अभी मैंने क्या कि मैंने एक दर्द की गोली खाई है, वैसे बहुत दर्द को कंट्रोल कर रही थी, पर जब अनकंट्रोल हो गई बहुत ज़्यादा, तब मैंने गोली खाई और बस लेट रही थी। पर आप मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँगी तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी कल से ना बहुत ज़्यादा अगर मैं बात नहीं करती हूँ ना, अपनी जो दिल की बात है किसी से शेयर नहीं करती हूँ, आपसे नहीं करती हूँ, तो फिर मेरे मन के अंदर शायद वो और दिमाग में डिप्रेशन देती, इस वजह से मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और सच में कोई किसी का नहीं होता, आप किसी के लिए कितना भी कर लो ना, पर जहाँ पैसों की बात आती है, जहाँ वक्त और ज़रूरत की बात होती है, वहाँ आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। आज मैंने मान लिया, मैंने कितने भी हमारे देखे मेरे ससुराल वालों के साथ रिश्ते बिगड़ चुके थे, फिर भी मैंने एक मौका दिया सुधारने का, पर कहीं ना कहीं वो शायद मेरे लिए कोई नहीं है, पर कोई बात नहीं। और जब वक्त बुरा रहता है ना तो कोई किसी का नहीं होता, ये बिल्कुल सच बात है। तो अभी तो मैं बस ज़्यादा सोचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि देखिए दो दिन में बहुत ज़्यादा, दो क्या 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा सोच रही थी, पर इन दो दिनों में कुछ ज़्यादा ही मुझे दिमाग मुझे कूल डाउन रहना है एकदम। और क्या बोलूँ, बाकी तो मैं अपने बात कर रही हूँ डॉक्टर से, कल भी मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि जब तक आपको कुछ नहीं होता है तो आप यहाँ वहाँ भटकने की आप परेशान होगी, कोई ज़रूरत नहीं है, बस हो सके तो आप कैसे भी करके करिए। और रास्ता इतना मेरे साथ है ना कि बस समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल बंद कर दे भैया, नहीं मोबाइल बंद कर दे। दे मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दो, नहीं कि रात में फिर
थोड़ा सा आराम किया था दवाई खाने के बाद, और सुबह जैसे तैसे तो मुझे काम करना ही था। रात को खाना बना तो दिया था मैंने, पर गैस साफ़ नहीं की थी, तो सुबह मैं गैस साफ़ कर रही थी। और आज मतलब मेरे हस्बैंड को वो जो टेस्ट कराया था ना, उसकी रिपोर्ट भी आनी है शाम को, तो थोड़ा सा और इसका भी टेंशन हो रहा था। और एक साथ ही हम दोनों इस कंडीशन में, पता नहीं भगवान को क्या, मतलब क्या भगवान की क्या मर्जी है कि जो हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। पहले भी इतना सब कुछ हुआ, और कहीं ना कहीं आप कहते हैं आरती आपकी खुद की गलती है, आपने खुद किया है, खुद हाथ धर के गलती की है। तो मैं बता रही हूँ कि हाथ धर के मैंने कोई भी गलती नहीं की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब मेरा ट्रांसप्लांट हमारे हस्बैंड का हुआ था, जब मैंने किडनी डोनेट की थी, तो उस समय मेरा 2-3 बार पीरियड मिस हुआ था, तो मुझे खुद ही 1.5 महीने बाद पता चला। और जब मैं टैबलेट खाने के लिए हुई, तो जहाँ से मैं टैबलेट ख़रीद रही थी, तो वो बोलते ये बच्चेदानी में आपकी असर करेगी, इसलिए फिर मैंने टैबलेट भी नहीं खाई। बट आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत सारी करी, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखूँगी, उसके बाद ये सब हुआ। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और सबसे मेन बात जिसको आना है और जिसको जाना है उसे कोई नहीं रोक सकता, ये हकीकत है। भगवान की मर्जी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिलता है, क्योंकि हम उसी के बने इंसान इंसान हैं आज। क्योंकि देखिए मैं ये चीज़ समझती हूँ अपने से, अगर मेरी माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं ना, मेरी माँ नफरत करती है मुझसे, तो इस कारण करती। आज मैं आपको ये सच बता रही हूँ क्योंकि मैं धोखे से आई हूँ। मेरे 2 ऑलरेडी भाई हैं और एक बहन है, तो मुझे शुरू से ऐसे ही ताने सुनाए गए कि मैं धोखे से आई हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी को 4-5 महीने हो गए थे, पर उनको पता नहीं चला कि मैं पेट में हूँ, फिर उनको कुछ हुआ नहीं, तो मैं धोखे से आई हूँ। उस वजह से बचपन से सुनती आई हूँ, और बहुत मैंने मार खाई, और रियली मैं बहुत, वरना ऐसी कौन सी माँ है जो इस कंडीशन में अपनी बेटी को देखेगी और एक फ़ोन कॉल तक ना करे। आप भले ही कुछ कहें, पर मेरे को बचपन से, मेरे जितने भी थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं कि मैं ऐसा हुई हूँ, कहीं कहीं कई लोग तो बोलते हैं कि तू सतेली है, तेरे को नहीं आना था ये वो, फिर भी मैंने बहुत सहा है यार, बहुत सुना है। और जब से फिर उसके लव मैरिज की थी, तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, अच्छा अच्छा चल भी रहा था, पर अचानक से, आपको तो सब पता है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि ये चीज़ हमारे ऊपर होता है, ये सब भगवान के ऊपर है। क्योंकि देखिए अगर जो भगवान होते हैं ना, वो हमें जन्म भी देते हैं, वो हमारा खान पान सब वही करते हैं। हम सोचते हैं ना ये चीज़ हम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ये चीज़ हम नहीं कर रहे होते, ये चीज़ भगवान कराता है। वो आपको रास्ते दिखाते हैं, और भगवान भी यही कहता है कि तू उठ कुछ कर तो मैं तेरी मदद करूँगा, लेटे रहने से करने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आज मैं बस आप लोगों से अपना ये जिक्र कर रही हूँ। शायद मेरा थोड़ा सा जो डिप्रेशन है वो कम होगा अगर मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँगी। और काम तो आप लोग को लग रहा होगा 2-3 दिन से मेरा नहीं हुआ है, देव को जैसे तैसे हम स्कूल भेज देते हैं। अभी मेरे हस्बैंड ना मेडिसिन नहीं खाते थे दर्द की, पर जब उनको ज़्यादा हो रहा, ठंड ज़्यादा बढ़ गई, तो वो खा ले रहे हैं मेडिसिन भी। तो मैंने अपने डॉक्टर से पहली बात तो ये सब जिक्र कर दिया है, पर अभी वो बोलते हैं जब तक आपका नॉर्मल नहीं आता है, तो अभी आप हो सके तो अभी आप यहाँ पे इंदौर मत आइए, क्योंकि यहाँ पे होंगे वो डॉक्टर को इसी और जांच लिखेंगे, फिर और होगा। तो इसलिए ईसीजी वाली इनको रिपोर्ट शेयर करी तो बोलते हैं ये सही है, पर यही चीज़ें बोल रहे थे कि अगर थोड़ा सा बहुत आराम मिले ना, तुमको ऐसा लगे कि तुमको आराम नहीं मिल रहा है, तो तुम इंदौर आ जाना। क्योंकि देखिए बहुत लंबा सफ़र होता है, 10 से 12 घंटे का लंबा सफ़र हो जाता है, तो वही सब चीज़ डॉक्टर कह रहे थे। पर जब तक मेरे हस्बैंड मेडिसिन खाते तब तक उनका दर्द तो गायब हो जाता है। अभी दर्द लगातार उनको क्यों है, कैसे है, मुझे ये इसका भी नहीं पता। तब देखते हैं हम इंदौर हम कब जा रहे हैं। वैसे अभी हमारे मेरे हस्बैंड हर महीने की 10 तारीख को चले जाते थे, पर अभी उनका मतलब जाने का है ही नहीं। इन्होंने बताया डॉक्टर से कि सर मेरा दर्द कम नहीं हो रहा, इस वजह से, आपको पता है ट्रेन कितने ज़्यादा हिलती वगैरह भी है इस वजह से। तो फिर
डॉक्टर ने अभी उन्होंने खुद मना किया है, बस बोले कि आप एक हफ्ते में चेक कराते रहिए। इस बार हमने बहुत लंबे बार चेक कराया, मतलब 10 दिन बाद हमने चेक कराया था, तो उसका रिपोर्ट आज शाम को आना है और रिपोर्ट देख के फिर एक बार और डॉक्टर को हम भेज देंगे। तो अभी देव स्कूल जा चुका था और धीरे धीरे मैं सोच रही थी जितना मैं काम कर लूँ तो कर लूँ। एक्चुअली डॉक्टर ने बोला था अगर ज़्यादा दर्द हो रहा तो इंजेक्शन लगवा सकते हो, हस्बैंड को बोला था अगर ज़्यादा दर्द दे रहा हो, पर जब मेडिसिन खाते हैं तो वो दर्द अपने आप गायब हो जाता है। वो एक गोली नहीं खाते, आधी आधी गोली ही खा रहे हैं, पर और सिकाई से भी कभी कभी दर्द कम नहीं होता। तो चलिए ठीक है, और प्लीज़ सब कुछ सुनने समझने के बाद मैं आप लोगों से कुछ बताती हूँ, अपनी पर्सनल बातें शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरी बातों को आप समझेंगे। और मैं आप लोगों से आपको अपनी फैमिली समझती हूँ, जिसके साथ ये सब कुछ बीत रहा होगा ना या बीत चुका होगा, सिर्फ वो ये तकलीफ़ वही समझ सकता है। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मेरी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, आप भी अपना ख्याल रखिए।